नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स इन हिंदी में। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ कुछ ऐसे होममेड फेस स्क्रब जो गर्मियों में आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन दोस्तों, इन स्क्रब्स के बारे में जानने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आप हमारी हर नई वीडियो से अपडेट होते रहे। दोस्तों, जैसे जैसे गर्मियाँ आ रही है, वैसे वैसे चेहरे का बुरा हाल होना शुरू हो जाएगा। अब समय आ गया है कि आप सर्दियों में यूज किए जाने वाले ब्यूटी प्रोडक्ट यूज ना करके गर्मियों के प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दें। गर्मियों में आप अपनी स्किन को लेकर चाहे जितने भी चौकन्ने क्यों ना रहें, लेकिन प्रदूषण आपकी रंगत को छीन ही लेता है। इससे चेहरा डल, रूखा और मुहासों से भर जाता है। दोस्तों, इन सभी चीजों से बचने के लिए आपको अपनी स्किन के पोर्स को खोलना चाहिए और अपने शरीर को हाइड्रेशन लेवल बढ़ाना चाहिए। इसके लिए आपको अपनी स्किन को स्क्रब करना चाहिए। आपको हफ्ते में 1 से 2 बार अपनी स्किन को स्क्रब करना चाहिए, और वो भी प्राकृतिक चीजों से। तो चलिए दोस्तों, आज हम भी आपको बताते हैं कुछ नेचुरल होममेड फेस स्क्रब्स के बारे में। नंबर 1, लेवेंडर एसनल ऑयल, ओटमील और ऑलिव ऑयल। 1 चम्मच ओट्स, 2 चम्मच ऑलिव ऑयल और 3 से 4 बूंदे लेवेंडर एसेंशियल ऑयल को एक कटोरी में मिला लें। आपका स्क्रब मटेरियल तैयार है। इसे गीली त्वचा पर लगाइए और हाथों को गोल गोल घुमाइए। 5 से 10 मिनट के बाद चेहरे को पानी से धो लीजिए। नंबर 2, संतरे के छिलके का पाउडर और नारियल तेल। 1 कटोरी में 1/2 चम्मच संतरे के छिलके का पाउडर लें और उसमें 1 चम्मच नारियल तेल मिलाएं। फिर चेहरे को हल्का गीला करके उस पर इसे स्क्रब करें। स्क्रब कुछ मिनट तक के लिए करना है और इसके बाद अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो ले। फिर चेहरे को हल्के से पोंछे और बाद में टोनर लगाकर मॉइस्चराइजर लगा ले। नंबर 3, शुगर नींबू का रस और गुलाब जल। 1 कटोरी में 1/2 टी स्पून दानेदार शक्कर मिलाएं। फिर उसमें नींबू का रस और 3 से 4 बूंद गुलाब जल की मिक्स करें। अब इसे मिलाते हुए पेस्ट बनाएं और पूरे चेहरे पर लगाएं। कुछ मिनट तक इससे मसाज करें और फिर गुनगुने पानी से चेहरे को धो ले। नंबर 4, चावल का आटा, दूध और गुलाब जल। 1 टीस्पून चावल का आटा, 1/2 चम्मच दूध और इसी मात्रा में गुलाब जल मिक्स करें। फिर इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और कुछ मिनट इसे सूखने दें। फिर इसे स्क्रब करके निकाल दें और बाद में अपने चेहरे को पानी से धो लें। नंबर 5, कोकोआ पाउडर और शहद। 1/2 टीस्पून कोकोआ पाउडर लें और उसमें 1 चम्मच शहद मिक्स करें और पेस्ट बनाएं। चेहरे को गीला करें और उस पर इस स्क्रब को लगाकर गोलाई में रगड़ें। फिर अपने चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें। बाद में चेहरे को पोंछकर उस पर टोनर लगाएं। नंबर 6, दानेदार कॉफी और बादाम तेल। 1/2 टीस्पून कॉफी और 1 टीस्पून बादाम तेल को मिक्स करें। फिर चेहरे को गीला करें और उस पर ये स्क्रब लगाकर गोलाई में रगड़े और उसके बाद गुनगुने पानी से चेहरे को धो ले। नंबर 7, ब्राउन शुगर और शिया बटर। 1/2 टीस्पून ब्राउन शुगर के साथ 1 चम्मच शिया बटर मिलाए। फिर इसे स्क्रब के तौर पर चेहरे पर लगाकर 5 से 10 मिनट तक अप्लाई करें। जब चेहरे पर अच्छी तरह से स्क्रब हो जाए, उसके बाद चेहरे को गुनगुने पानी से धो ले। तो दोस्तों, ये थे कुछ नेचुरली होममेड फेस स्क्रब जिनका इस्तेमाल आप गर्मियों में अपनी स्किन को खूबसूरत बनाने और उसे निखरी बनाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है। ये प्राकृतिक फेस स्क्रब आप केवल शाम के समय ही लगाएं और विशेष रूप से तब जब आप घर वापस लौटे। यदि घर के कामों के कारण आपको समय नहीं मिलता है तो आप सोने से पहले भी इन स्क्रब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हम आप तक ऐसी ही नई और बेहतरीन जानकारियां पहुंचाते रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम आपसे जल्दी मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।